फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स हु आर जी वाचिंग नमस्ते। मी। हियर आई एम विद सुपर पर्सनालिटी एंड शी इज फ्रॉम कोलकाता। टॉकिंग अबाउट हर, शी इज एन टैरट एक्सपर्ट, अ स्पिरिचुअल हीलर, अ रेकी मास्टर। हेलो एंड वेलकम मौसमी जी। इट्स वंडरफुल टू बी हैविंग अ पर्सनैलिटी लाइक यू फ्रॉम कोलकाता। सो गुड टू सी यू। कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अ लिटिल बिट टू ऑल द व्यूअर्स जो आपके बारे में जानना चाहते हैं बहुत कुछ। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोलकाता से हूँ एंड इसके पहले मैं पैरामेडिकल स्टाफ थी सिंस 2012। तो मैंने 10 साल उस चीज में लिटरली जॉब किया, लेकिन वो एक ना एक आपकी रेगुलर जॉब बन जाती है। 9 to 5 आप कर रहे हो या फिर मॉर्निंग इवनिंग नाइट कर रहे हो, लेकिन उस चीज में कहीं हद तक आपका जो पैशन अलग से रहा है, अगर आप ह्यूमैनिटी की तरफ कुछ करना चाहते हो और अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि मैं थोड़ा सा डीप रिसर्च करूंगी कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी चलती है, और उस चीज में तब मैंने देखा कि लोग एफर्मेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, एंड वो चीजें काफी एक्साइटिंग है, लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पर मैं कुछ ऐसे सिचुएशन में थी जो सिचुएशन काफी रिपीटेड थे और वो लूप में चल रही थी, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि कार्मिक लूप्स, कार्मिक पैटर्न्स। तो वो सारी चीजें थी जिन्होंने मुझे पुश किया कि मैं अपने आप को और भी बेहतर तरीके से जानूं। तो वैसे मैंने कुछ चीजें सीखी, जैसे कि आपने बताया कि मैं रेकी करती हूँ, तो सबसे पहले मेरी जिंदगी में रेकी आई थी एक्चुअली, उसके बाद मैंने टैरो किया। तो रेकी के साथ पे मेरा एक बिलीफ इंक्रीज हुआ, क्योंकि जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड में जो लोग भी रहते हैं ना, वो दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर लॉजिक कि सबसे पहले मुझे प्रूफ करके दिखाओ। एंड रेकी एक ऐसी एब्सोल्युटली एनर्जी प्रैक्टिशन है कि आप अगर प्रैक्टिशनर भी बनते हो तो वो लोग भी बताते हैं कि पहले आपका सेल्फ प्रैक्टिस होगा, क्योंकि लेवल 1 में भी यही आता है, आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद में आपको जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपका क्या होता है, बिलीव इंक्रीज होता है, फिर आप दूसरों को करते हो। तो इसलिए पहले हम लोग सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, उसके बाद में हम डिस्टेंस हीलिंग सीखते हैं, जिससे हम लोगों को भी मदद कर सकते हैं। उसके बाद में मेरी लाइफ में टैरो आया और टैरो ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि आप जब किसी इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानते, लाइक यू हैव 0 नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, और सिर्फ आपके पास में कार्ड्स होते और आप उनको बताते हो, और वो जो रिस्पॉन्स सामने से आता है वो आपके अंदर में एक अलग तरीके की कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जो आपको सो और भी एक मच। पावर देता है कि आप और भी अपने जर्नी को कंटिन्यू करो। तो ऐसे ही मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट भी की है और कंटिन्यू कर भी रही। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है जहां पे लाइफ कम्स टू अ टर्निंग पॉइंट एंड यू सडनली चेंज योर सेल्फ। सो व्हाट वाज दैट जी टर्निंग जी पॉइंट, क्योंकि आप जो फील्ड से बिलोंग करते हो दैट इज कंप्लीटली यू कैन से आप साइंस बेस्ड रखते हैं, एंड देन टर्निंग इन टू द स्पिरिचुअल लाइफ विच इज अगेन अ साइकिक एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये क्या आपके साथ में घटना हुई जिसकी वजह से आपने ये अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन किया, अगर आप हमको बताना चाहें तो सभी लोग बहुत खुश होंगे सुनने के लिए, क्योंकि आपके आज बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो लोग आपको आजमा चुके हैं, जिन लोगों ने आपके साथ में, आपने उनको गाइड किया है, कोच किया है, आपने उनको हील किया है, आपने उनको असिस्ट किया, रास्ता बताया है। क्योंकि टैरट एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को एक तरीके का गाइडेंस इस तरीके से मिलता है कि उनको उनकी लाइफ में अगर जी कोई तकलीफ भी होती है तो उसका समाधान, सोल्यूशन भी आप देते हैं। तो कैसी वो जर्नी जिसमें आपको एक टैरट रीडर और स्पिरिचुअल कोच बनना हुआ? जी एक्चुअली ये मैंने काफी इंटरव्यूज में बताया, जितने भी मेरे प्रीवियस आर्टिकल्स भी थे, तो आज अगर मौका मिला है तो उस चीज को थोड़ा सा मतलब और एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये एक तो पैरामेडिकल जो जॉब है वो काफी आप बोल सकते हो तो सिक्योर जॉब है, क्योंकि आपका एक मंथली एक हाइक होता है सैलरी का जो आपको मिलता है, उसके बाद में जैसे जैसे आप सीनियर बनते हो उस चीज का और भी ज्यादा डिमांड हो जाता है। तो एक बेस्ड जो जॉब आपने 10 साल में क्रिएट किया, क्योंकि आपको भी पता है बाई टाइम मैम वो चीज बहुत जनरेट होकर स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो स्ट्रांग बेस को छोड़ के आप फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि प्रियंका मैम इज माई मोटिवेशन, लाइक प्रियंका चोपड़ा, उनकी मैंने एक वाह, इंटरव्यू देखी थी जहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने जीरो स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो वो ना एक लाइन मेरे अंदर में लिटरली जैसे कि प्रिंट होगी कि अगर इतने बड़े सेलिब्रिटीज भी जीरो से स्टार्ट कर सकते तो व्हाई आई एम नॉट। सो वो जो फीलिंग थी वो तो एक पहली मेरी डेवलप हुई। उसके बाद में ये था कि मेरा एक पैटर्न रहा है कि कोई भी चीज अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं वो चीज खुद सीखती हूँ। तो हालांकि मुझे सीखने का मन नहीं था, लेकिन मेरी मॉम अचानक से बीमार हो गई 2021 में, ठीक है, और उनकी इतने सारे प्रॉब्लम्स एक्यूट पेन से लेके उनको सिस्ट हो गया था ब्लडर में,
उसके बाद में उनका डायबिटीज था, बीपी था, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम एक ही साथ में, एक इंसान के साथ में हो जाए और वो कंटिन्यू 2-3 महीने से आईसीयू में रहे, तो आप समझ ही सकते हो कि उनके घर के लोगों का क्या हाल होगा। तो मैं हूँ मेडिकल स्टाफ, लेकिन मैं इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि अपने मॉम को देखूँ और उसके बाद में भी वो मेंटेन करूँ स्ट्रांग पर्सनैलिटी। तो मैंने ऐसे ही उस टाइम में, मेरे सामने ऐसे इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में शायद आया होगा रेकी हीलिंग का, तो मैंने वो पढ़े उनके रिव्यूज, तो मैंने देखा बहुत लोगों को वो बेनिफिट मिल रहा है। तो होता है ना कि जब आप सब कर ले तो पैसा डाल ले तो वो चीज आपके लाइफ में काम नहीं करे तो आपका बिलीव चला जाता है अब तो भगवान ही कुछ कर ले। तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग मैं उस टाइम में चल रही थी। तो उस टाइम में मेरे पास में रेकी आया, तो मैंने किसी से करवाया, ये चीज मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज ना मेरे मॉम के लिए वर्क नहीं करी, वो रेकी ही था। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ फेक एंड ट्रू स्पिरिचुअल लीडर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मे बी दे आर फेक, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है मैम कि रेकी आपके लिए काम ना करे, इससे यूनिवर्सल एनर्जी। जो लोग लिटरली रेकी करते हैं, जिनको लिटरली रेकी मिली है, वो उन्होंने सिर्फ इनहेंस ही किया है लाइफ में, ठीक है, तो वो बहुत प्रोग्रेस लाता है। तो उसके बाद में मुझे लगा कि मेरे पैसे भी जा रहे हैं, मेरी मॉम की भी कुछ एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा ठीक है चलो मैं कर लेती। तो ये शॉकिंग पार्ट था मेरे लिए कि मैं जब कर भी रही थी लेवल 1 में भी, तो ऐसा था कि मैं कुछ ऐसे चीजें बोल रही थी, ऐसे चीजें कर रही थी जो मेरे टीचर ने मुझे बोला कि मौसमी यू आर डूइंग लाइक कि ऐसा है कि तुम पास्ट लाइफ से करते आ रही हो, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस साइकिक डाउनलोड्स जो मेडिटेशन में मुझे रिसीव हो रहे थे, जैसे कि मैं प्रैक्टिशनर थी, जैसे कि ये मेरे ओ लिए डिस्टाइन था। हाँ, तो वो चीज मतलब मेरे ग्रुप्स में आई एम द टॉपर, तो वो चीज था कि मैंने हमेशा ही जो कोर्स में था उसके बियॉन्ड ही किया है, तो वो चीज वाओ ने मुझे बहुत इंटरेस्टेड दिया कि मैं कर सकती हूँ। तो राइट वैसे मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने टैरो ज्वाइन किया, और क्योंकि रेकी मैंने की हुई है तो रेकी मुझे बहुत हेल्प करता है क्लींजिंग मेडिटेशन आप बोलो कनेक्ट करने में, क्योंकि रेकी आपका इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग करता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है स्पेसिफिक वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली रेकी का। तो ये एब्सोल्युटली चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया और इसलिए शायद मैं टैरो बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, बिकॉज इसमें सिर्फ मैं फिलोसॉफिकल जो कार्ड्स की मीनिंग है वो नहीं रीड करती, उसके साथ में आपको जो साइकिक डाउनलोड्स भी मिलते हैं उसको भी मैं कंबाइन करके बताती हूँ, तो लोगों को और भी ज्यादा इंसाइट मिलती है और हेल्प भी होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग. मतलब आपके पास में जो आते हैं वो सिर्फ सोल्यूशन, आप उनको सिर्फ उनको कॉज ही नहीं, उनका सोल्यूशन भी राइट डायरेक्शन में देते हो. जी, बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताइए, कितनी बारी अप्रोचेस यू. ओके, अभी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव बीन सो ब्लेस्ड दैट एनी वे एनी कॉर्नर वी कैन गेट कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड व्हेन इट कम्स टू यू कैन से फेलियर्स एंड डिप्रेशन, नॉर्मली आपके पास इसी तरीके के लोग ज्यादा आते हैं, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप के ऊपर, एंड देन करियर ओरिएंटेड और लोग. नॉट ओनली हेल्थ मैम, जी, सब कुछ हो रही। सी प्रॉब्लम ये है कि मैम कि हमें लगता है कि हम किसी स्पेसिफिक जोन का करेंगे बट वो हो नहीं पाता, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है वो तीनों चीजों के अराउंड घूमती, एक है आपका हेल्थ, दूसरा है आपका मनी, और तीसरा है आपका रिलेशनशिप, ये तीनों चीजों के ऊपर ही ह्यूमन लाइफ बेस्ड है। तो आपके पास में ये तीनों तरह की क्लाइंट आएंगे, ठीक है। अभी अगर किसी ने नीश चूज कर लिया है कि आई एम गोइंग फॉर रिलेशनशिप काउंसलिंग ओनली, वो अलग मैटर। जैसा मेरा, मैंने अपने बायो भी डाल के रखा है कि मेरा वो है कि यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसको इंक्रीज करूंगी, तो अगर वो करना है मुझे तो मुझे सारे पार्ट्स को लिटरली कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी इंडिविजुअल लाइफ में करियर में कोई प्रॉब्लम है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका हेल्थ भी सही जाएगा और रिलेशनशिप भी सही जाएगा, बिकॉज आप इफेक्टेड हो, आपके तीनों एरियाज में कोई भी एक चीज डिसबैलेंस हुई मतलब आपके तीनों चीजों में इम्बेलेंस आएगी ही आएगी, आएगी दैट आएगी इज वेरी एब्सोल्युटली. कॉमन फैक्टर। हाँ, तो वो चीज आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी इंसान को डील करो तो उनके पूरे तरीके से आपको हील करना चाहिए, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सुनो, क्योंकि एक जगह पर प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह में आएगी, तो ओवरऑल में सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं इसके थ्रू। सो नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो किस तरीके से वो आपको संपर्क कर सकता है, हाउ कैन अ पर्सन गेट कनेक्टेड टू यू. जी, एक्चुअली क्या है कि मेरी ऑलरेडी गूगल सर्विसेज है और मेरी जो आर्टिकल्स है और जो लोग मुझे पहचानते भी है उनको तो मैं पता ही है कि वो मुझे जानते हैं कि मेरा वेबसाइट वगैरह मेरी बायोडाटा में दे हुई है, ठीक है। और बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते तो बाय गॉड ग्रेस की मेरी जो भी लाइक की पास्ट 1 ईयर से रील्स है इंस्टाग्राम में जो मैं जनरल रीडिंग बनाती हूँ, उनकी रीच काफी हाई है,
तो वो रीच हाई होने के कारण जो लोगों को भी कनेक्टेड फील होता है उनको बताया जाता है कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो डीएम के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, तो वो मुझसे वैसे कनेक्टेड करते हैं। फिर उनको शेड्यूल दिया जाता है, क्योंकि ये भी होता है कि एक ही इंसान एक दिन में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करना होता है, वो करना होता है। तो उनको बताया जाता है कि आपको 48 आवर्स में जरूर एक रिवर्ट बैक आंसर मिलेगा। उस टाइम तक आपको आपके स्लॉट दिए जाते हैं कि उस टाइम के दौरान आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से स्लॉट में जाना है। लाइक कि अगर आप मुझसे रीच करते हो कि मौसमी मुझे मेरे लिए एक गाइडेंस रीडिंग वगैरह कुछ चाहिए, तो मैं आपको डेट बताऊंगी एंड टाइम स्लॉट बताऊंगी, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो। फिर वो चीज मैं लॉक करके रखती हूँ, सिर्फ आपके लिए ही रहता है। तो जब आप ज्वाइन करते हो स्पेसिफिकली, मैं आपको इंडिविजुअली वो सर्विस पे करती हूँ, ठीक है? तो वो ऐसा रहता है कि आपका भी टाइमिंग प्रेफरेंस देखा जाता है, और मेरा भी ये रहता है कि मेरा रूटीन रहता है, मुझे पता चलता है कि ये क्लाइंट्स उस टाइम में अवेलेबल है तो मैं उनको समझा सकती हूँ। तो मेरा एक्चुअली ये भी है कि मैं अपना भी देख लेती हूँ, मेरा शेड्यूल रहने से मेरा हेल्प होता है, और मैं आपका भी देख सकती हूँ, क्योंकि आपको भी मैंने चॉइस करने के लिए ऑप्शन दिया है कि मैम यू कैन चूज योर टाइम स्लॉट ऑल्सो। तो ये एक एक्चुअली प्रिविलेज मेरे क्लाइंट्स को है। जी अंडरस्टूड, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो सिंस अभी आपसे बात हो रही है, यू आर माय परफेक्ट वुमन फॉर टुडे. इफ आई आस्क यू हु इज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड योर करियर, योर अचीवमेंट्स, तो आप किसको वो श्रेय देना चाहेंगे? आपके लाइफ में आपके आइकॉनिक, आपके परफेक्ट वुमन कौन है? मेरी मॉम, एज यूजुअल सबके शायद मॉम होंगे, लेकिन मेरी मॉम डेफिनेटली, बिकॉज मेरी मॉम का एक स्टेटमेंट ही था बचपन से, मैं जितने भी स्कोर लाऊ, कितने अच्छे स्कोर लाए वो कभी नहीं देखती थी, कितने कम लाए उस चीज के ऊपर फोकस उनका था। तो उनका यही था कि तुमने ये किया, इससे भी बेहतर तुम कर सकती हो। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे क्रिएट किया है कि मैंने ना कंपेरिजन जो इशू होता है उस चीज के ऊपर मेरा फोकस गया नहीं, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन हमेशा खुद से ही रहा है। तो सो ये चीज ने नाइस. मुझे बहुत मोटिवेट किया। या बिकॉज मैम, अगर मैं देखूँ, इट्स अ वेरी बिग फैक्ट कि जब आप अपने साथ में कंपीट करते हो, तो एक तो आपका बोलते हैं ना कि जो डाइवर्शन होता है वो नहीं होगा आपका, आपका फोकस रहता है इन सेल्फ में। तो आप अपने ही पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ में कंपेयर करते हो और उसमें ग्रोथ लाने की कोशिश करते हो, जो कि ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये चीज मॉम ने सिखाई है, लेकिन डेफिनेटली जहां जहां पे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि माई मॉम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो चीज है, मतलब एक दोस्त की तरह बताना, डाउन फील करना तो बताना, लड़ते भी है, झगड़ते भी है, फिर सपोर्ट भी करते हैं। तो एक तो दोस्त होना चाहिए, बिकॉज आई हैव नो सिबलिंग्स, तो मेरी मॉम ही मेरी दोस्त है, तो वो तो एक इंस्पिरेशन है। और ऊपर से ये चीज है कि शी इज एन हाउसवाइफ, बट उनका एक है ना, उनका जो क्रिएटिव माइंड है वो चीज मुझे काफी इंस्पायर करती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं प्रैक्टिकली फंस गई हूँ किसी चीज में, तो मॉम आके ऐसे ही बोल देती है ये चीज स्टे नहीं करने वाला, जैसे कि रात के बाद में दिन आता है, मतलब वो चीज आपको अगर पास में कोई नॉर्मल लाइन आप जानते हो मैं, लेकिन वही चीज आपके पास में कोई आके आपको बोल के इंस्पायर करके चला जाए ना, वो बहुत मैटर करते हैं उस टाइम। तो दैट काइंड ऑफ थिंग जो मॉम करती है। तो यही बोलूंगी कि बेस्ट फ्रेंड भी शब्द शायद कम हो जाएगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि मेरे को पार्टनर जैसे मुझे मोटिवेट करना हो, मुझे चीयर अप करना, तो वो सारी चीजें मॉम करती है। तो इट्स बियॉन्ड लाइक कि मतलब पावर वुमेन से भी अगर कुछ बड़ा हो, मतलब भगवान तो पास पे नहीं है, लेकिन मॉम के रूप में शायद भगवान ने दे दिया है, तो वो तो वेरी ब्लेस्ड हूँ इसके कारण। So nice. That's so nice. Your mom is so proud of you. Indeed, the act that you are doing, जी मैम, बिल्कुल creating a memory and a proud moment for your family as well. Because when it comes to giving back to society, you're doing the greatest job. And today, when we talk about the spiritual coaches, main चीज ये है कि आपसे बात करके कितनों के depressions कम हो जाते होंगे, कितनों को आप relief दिला जी देते हैं. तो वो जो blessings मिलती हैं आपको, उससे you can say the best गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स इज व्हाट यू हैव बीन गेटिंग, शाउडिंग ऑन यू, दैट्स सो वंडरफुल. और मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी, सिंस यू आर कंप्लीटली बिजी विद योर स्केड्यूल, हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क एंड योर प्रोफेशनल एंड योर पैशन? जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक रूल ही है, प्रोटोकॉल, कि मैं 48 आवर्स तक टाइम लेती हूँ रीच लाइक कि उनको रीच आउट करने।
तो मेरे पास में टाइम होता सबसे पहली बात। फिर मेरा ये रहता है कि मैं दिन में कितने घंटे काम करूंगी। जो 888 एक रूल होता है, मैं उस चीज को पहले से ही फॉलो करती हूँ कि मुझे 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे मुझे सोने ही सोने हैं। बिकॉज आई लेकिन मैं अगर काम करना चाहती हूँ तो मेरी बॉडी का भी उतना इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अगर मैं बॉडी को रेस्ट नहीं दे रही हूँ, सिर्फ काम कर रही हूँ, तो कैसे चलेगा? तो मेरी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद में मेरी जो बाकी के काम है वो बाकी 8 घंटे। तो वो जो 8 घंटे में है उसमें भी मैं कंटिन्यू काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो रीडिंग होती है, हीलिंग होती है, उसमें स्पेसिफिक आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन होती है। तो इसलिए मैंने शेड्यूल का वो बनाया है, हर एक रीडिंग के बीच में मैं 45 मिनट या 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, ताकि वो प्रीवियस एनर्जी से मैं डिस्कनेक्ट करके मेडिटेट करने करके अपनी नई एनर्जी को रिस्टोर कर सकूं। उसके बाद में मैं कोई नया अगर क्लाइंट आता है तो उसके साथ में मैं कनेक्ट फील कर सकूं। ठीक है, ये चीज तो मैम है ही, लेकिन आपने जैसे बोला कि लोग जब मुझसे बात करते हैं तो हेल्प कर लाइक कि हेल्पिंग वाला नेचर उनको फील होता है, ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये चीज भी एक कारण है इस जोन में आने का मेरा स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि जब मैं लाइक कि मेडिकल प्रोफेशन भी थी, वो लोग मुझसे बहुत बड़े हैं एज में, वो लोग भी पता नहीं क्यों मेरे से बहुत अट्रैक्ट होके अपने लाइफ के प्रॉब्लम मुझसे बात मतलब बताते थे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो मतलब उनका फर्स्ट कॉल मेरे मतलब मुझे ही करना होता है ऐसा। तो मैं सोचती थी कि मतलब सीनियर है जूनियर है कुछ भी है तो मौसमी को ही फोन लगा रही है। और मेरे मॉम ने भी ये चीज नोटिस किया, किसी को प्रॉब्लम है तो मौसमी को फोन लगा रही है। तो मैंने एक दिन मुंह से ही बोल दिया कि ये ब्लेसिंग है मॉम, क्योंकि लोगों को अगर लगता है कि प्रॉब्लम में मौसमी एक तो जजमेंट नहीं दे रही है, वो सुन रही है एज ए लाइक लिसनर हो या फिर देख रही है व्यूअर की तरह, वो कोई प्री नोशन जजमेंट लेके नहीं बैठी, या फिर उनको पता है कि मेरे पास में आएंगे तो मैं कुछ तो ऐसा बताऊंगी या फिर उनको समझूंगी। तो जो फीलिंग वो लेके एब्सोल्युटली आते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज लिटरली मुझे हेल्प करती है ये वाले जोन में। क्योंकि ऐसे ही क्लाइंट्स आते हैं और मेरे साथ में एक रिश्ता बन जाता है, जैसे कि मेरा एक ग्रुप भी है, जो ग्रुप में फ्री रेमेडीज एंड जो लोग लाइक कि होता है ना कभी कभी आपके पास में पैसे नहीं होते, आप नहीं पूछ पाते हो, तो उस चीज के लिए मैंने एक फ्री ग्रुप भी बनाया है। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स है वो लोग भी है, जो नए जुड़ना चाहते हैं वो लोगों को भी मैं लिंक के थ्रू कनेक्टेड कर देती हूँ, ताकि मैं कुछ भी अपडेट दू जो कि लेकिन सब कुछ यूज कर सकते हो, वास्तु बोलो न्यूमरोलॉजी बोलो, उनको एक बेसिक आइडिया आ जाता है और वो फॉलो करते हैं और उनको काफी ग्रोथ भी मिलता है। तो ये भी मैं करती हूँ क्यों नहीं, ताकि एक नर्चरिंग वाला जोन रहे, कि उनको भी लगे कि मौसमी ने साथ नहीं छोड़ दिया, तो सो कनेक्टेड नाइस रहती हूँ सर, हमेशा सो जी सो हम्बल एंड जी सो नाइस। आई बिलीव यू बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब गिविंग बैक टू थैंक यू मैम। सोसाइटी, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर स्पेस एंड टाइम टू अस, टू परफेक्ट वुमेन। फ्रॉम मी एंड द एंटायर टीम ऑफ परफेक्ट वुमेन, आई रियली विश अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू, बहुत सारा ग्रोथ, और काफी लोगों को आप हील करें और सक्सेस पाएं। जी मैम जी थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, आप आए उसके लिए वंस अगेन। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू डियर, टेक केयर। यू टू मैम, यू टू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा एनर्जेटिक मिला। एक चीज रह गई है, एक टिप नहीं दिया आपने आज का दिन के लिए। आप टैरट करते हो, आप रेकी करते हो, तो आज हम सबके लिए जो जी, व्यूअर्स है उनके लिए क्या टिप है आपकी तरफ से? बताना चाहूंगी कि मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है, जो लोग टैरो रीडिंग या फिर इस चीज के अंदर में आते हैं ना, वो बहुत ही लाइक कि उनके मन में ये हो तो इसका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन आया है वो भी मेरे साथ में रेजोनेट होना चाहिए, भले ही वो जनरल रीडिंग हो। और फिर वो क्या करते हैं, खुद को लूप में फंसा लेते हैं, वो रीडिंग देखते रहते देखते रहते, वो एक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे। तो मेरा यही लाइक कि यूनिवर्सल गाइडेंस रहेगा कि अगर आप कुछ चीजें देख रहे हो और वो चीजें आपके साथ में रेजोनेट हो रही है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसके जो गाइडेंस में आपको एक्शन चेंज करने के लिए बोला गया है वो आप करिए। नहीं तो ये चीज वही हो जाएगा कि आप डॉक्टर के पास में जा रहे हो और विजिट के ऊपर विजिट कर रहे हो, दवाई तो नहीं ले रहे हो आप, तो आपका कैसे डिजीज खत्म होगा? दवाई मतलब आपके एक्शन और आपके अंदर में जो चेंजेस होने चाहिए वो। और दूसरी बात ये कि कुछ वीडियोस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में पर्सनली मैच करे और बाकी ना मैच करे। क्यों? क्योंकि जब रीडर करते हैं वो यूनिवर्स में कलेक्टेड जो मौजूद एनर्जी है उसके ऊपर बेस्ड एक रीडिंग देती है। ठीक है, तो वो कुछ चीजें आपके साथ में रेजोनेट इसलिए हो रही है क्योंकि आप यूनिवर्स के अंदर ही प्रेजेंटेड हो, बट आपके बाकी चीज इसलिए रेजोनेट नहीं हो रही क्योंकि वो आपका प्राइवेट सेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना राइट होगा कि एक भीड़ के अंदर में इंसान को पहचाना मतलब पहचानना, और अगर एक इंसान स्टेज के ऊपर खड़ा है लाइक कि फोकस है उस पर लाइट, तो वो इंसान को एक्नॉलेज करना इज वेरी इजी।
तो उसी तरीके से रीडिंग में, अगर आप भीड़ के अंदर में रीडिंग देख रहे हो, लाइक की जनरल रीडिंग, वो चीज आपके साथ में प्रिसाइसली मैच नहीं करेगी। आपको डायरेक्टली जिसके भी आप रीडिंग से रेजोनेट करते हो, उसके साथ में आपका कनेक्शन बनना चाहिए, या तो कॉल या फिर मैसेज सेशन में आप अपना नजरिया बता सकते हो। डेफिनेटली जो रीडर होगी या फिर अगर मैं होंगी, तो मैं आपको डेफिनेटली जो कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस आएंगी मैं बताऊंगी। ऊपर से ये भी चीज है मैम कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में सच में टाइम नहीं होता कि वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज करे, वास्तु में कुछ चेंजेस करे, क्योंकि होता है ना कि हमारा होम का जो एक इंटीरियर डिजाइन वगैरह करके हुआ होता है, वो भी काफी खर्चे करके बनाए होते हैं, तो उसके बाद में अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट बोल दे कि आप ये चेंज करो वो चेंज करो, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चीज के लिए आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच इन द सेंस कि आप एक अपने लाइफ में एक शेड्यूल डालो। शेड्यूल डालना मतलब कि आप जब भी रात को सो रहे हो, तो आपका सुबह के दिन में क्या नेक्स्ट शेड्यूल होगा वो आपका रेडी होना चाहिए। क्योंकि आपने भी शायद नोटिस किया होगा मैम कि अगर आपके पास में कुछ भी ना रहे और आप ऐसे ही सो रहे हो, तो सुबह उठकर आपको बहुत बेचैनी फील होती है, या तो एंजाइटी घिर सकती है, या फिर आपको मोटिवलेस लाइफ लग सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना, इतनी इतनी चीजें हैं, तो आपका दिमाग उठने से ही एक्टिव रहेगा और आप तुरंत तुरंत वो चीजें करने लगोगे और आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग को एक प्रॉपर मैसेज देना कि नेक्स्ट डे मेरा क्या शेड्यूल है। और अगर पूरा दिन आपके हिसाब से सही नहीं चल रहा है, तो वो सारे जो बर्डन वाले थॉट है ना, उसको आपको बिफोर स्लीप निकालना ही चाहिए। और निकालने के लिए जर्नलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस। उसको हम बोलते हैं कि आप जो भी फील करो उसको स्क्रिप्ट में लिख दो, लिख के अपनी पूरी एनर्जी उस पेपर में ट्रांसफर कर दो। आप सोचो कि आपने निकाल दिया अपने मन की जो भी भरास है, उस चीज को बर्न करके कहीं पर भी डिस्कार्ड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको इजी लगे, कि आप फ्लश भी कर सकते हो, आप मिट्टी में दफना भी सकते हो, मतलब आपने अपने अंदर से वो निकाल दी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सोते वक्त आप खाली मन से सो, कोई भी बर्डन ना रहे, और सुबह के लिए एक मैसेज दे के सो अपने मन को कि मेरे को कल ये चीज कर। तो इससे क्या होगी कि आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड होगी और आपके माइंड में काफी क्लैरिटी गेन करेगी, तो आप एंजाइटी डिप्रेशन या फिर आपके मन में वो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे आई फील। तो ये एक बहुत इजी तरीका है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा शेड्यूल, मतलब शेड्यूल करके चेंज कर सकते हो। वाह, दैट्स अमेजिंग, सो नाइस सर. बहुत ही बेनिफिटेड होगा आई एम श्योर अबाउट एवरी वन हु इज वॉचिंग दिस इज गोइंग टू 100% लाइक दिस. जस्ट फॉलो हर एंड गेट दीज सॉर्ट ऑफ इमीडिएट रेमेडीज टू रिजॉल्व द सोल्यूशंस एंड शी इज जस्ट अ कॉल अवे. थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया. इट वॉज रियली वेरी वंडरफुल टू बी हैविंग यू. सी यू वेरी सून, क्रॉस फिंगर्स फॉर योर सक्सेस. टेक केयर एंड गॉड थैंक यू मैम, ब्लेस यू. बाय मैम।